एक एवरेज इंसान दिन में 2 घंटे बस खाने के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर पूरे दिन स्नैकिंग, फिर टी ब्रेक और बिस्किट्स, फिर डिनर, और अगर पॉसिबल हुआ तो सोने से पहले भी कुछ नमकीन, कोल्ड ड्रिंक या नूडल्स दें। भूख क्या चीज होती है और भूख लगना हमारी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये समझ ही नहीं पाते। हमारे पूर्वज कभी आदि मानव हुआ करते थे, जिनको हम अर्ली मैन भी कहते हैं। वो दिन में शिकार करते थे और पूरे कबीले के लिए खाना लाते थे। दिन में 4 बार खाना तो भूल जाइए, दिन में 1 बार भी अगर वो शिकार कर लेते थे और कबीले के लिए खाना ले आते थे तो वो बड़ी किस्मत की बात मानी जाती थी। उनके पास खाना स्टोर करने के लिए कोई फ्रिज नहीं होता था, तो अगले शिकार होने तक पूरे कबीले को भूखा सोना पड़ता था। हजारों और लाखों साल के बाद भी हमारा DNA आज भी अपने पूर्वजों से अलग नहीं है। आज हम दिन में 3 से 4 बड़े मील्स दिन में लेते हैं और बाकी पूरे दिन स्नैकिंग करते रहते हैं, गलत करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। हम समझेंगे भूख को महसूस करना कितना जरूरी होता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप कैसे अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। वैसे आखिरी बार कब था जब आपको भूख लगी हो और आप कुछ ना खा पाए हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ह्यूमंस पूरे दिन खाने के लिए नहीं बने हैं। खाना हमें जिंदा रखता है और उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी। लेकिन जहां आप खाने को एक शौक बना लेते हैं, वहां से आप गलती शुरू करते हैं। दिन भर उल्टा सीधा स्नैक्स और जंक फूड खाना, मीठा खाने बैठे तो कोई लिमिट ही नहीं। बस यहीं रुक जाइए, अपने सिस्टम को आराम दीजिए। आपको जरूरत है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग को टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी कहा जाता है। इसमें आप दिन के कुछ घंटों में अपने सारे मील्स खत्म कर लेते हैं और बाकी समय फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी तरह से किया जा सकता है। पहला है 16:8 फास्टिंग। इसमें 16 घंटे आप रोज फास्टिंग करते हैं और 8 घंटों में अपने दिन के सारे मील्स कवर कर लेते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप की फास्टिंग है। दूसरा है ईट स्टॉप ईट। इस टाइप की फास्टिंग में आप ऑल्टरनेट डे फास्टिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मंडे को अपने नॉर्मल मील्स खाते हैं तो ट्यूजडे को आप फास्ट रखते हैं, एंड लाइकवाइज। तीसरा है 5:2 फास्टिंग। इसमें आप वीक के कोई से भी 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन फास्ट रखते हैं। बस ध्यान रहे ये 2 दिन 2 कंसेक्यूटिव डेज नहीं होने चाहिए। फोर्थ है ओमैट, यानी 1 meal a day। जैसा इसका नाम ही बताता है, इसमें लोग दिन में एक ही बार खाना खाते हैं और बाकी टाइम भूखे रहते हैं। ओमैट रोज ट्राई करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए लोग 2 मैट पर स्विच हो जाते हैं। 2 मैट में लोग 2 meals a day खाते हैं और बाकी टाइम फास्टिंग करते हैं। 2 मैट कंपेरेटिवली ओमैट से ज्यादा इजी होता है। इतनी देर भूखा रहना, आखिर इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स? डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो सबसे पहले तो आपका फैट लॉस होगा। जब आप 16 घंटे तक अपनी बॉडी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते तो शुरुआत के कुछ घंटों में बॉडी सारी शुगर और ग्लाइकोजन बर्न करती है। इसके बाद आपकी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो एक्सेस फैट बर्न करके बॉडी जनरेट कर लेती है। फास्टिंग की वजह से आप कैलोरीज भी कम खाते हैं, जिसकी वजह से नया फैट आपकी बॉडी में इजीली नहीं बनता। इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूसरा बेनिफिट होता है ब्लड शुगर कम होना और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होना। अब अगर आपकी फैमिली के जेनेटिक्स में डायबिटीज जैसे डिजीज हैं, तो ये आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। जब आप लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो कुछ भी नहीं खाने से आपकी बॉडी में ना तो शुगर जाती है ना ही कार्ब्स। इससे आपकी बॉडी की ब्लड शुगर लो हो जाती है, इंसुलिन स्पाइक होना कम हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे मैजिकल असर होता है सेल ऑटोफेजी और एंटी एजिंग। सेल ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, यानी खुद को खाना। अब ये सुनने में आपको हैरान कर सकता है, लेकिन फास्टिंग के 14 से 16 घंटे बाद आपकी बॉडी अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है। बॉडी ढूंढती है आपके अंदर उन कमजोर सेल्स को जो आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं और उनको कंज्यूम कर लेती है। एक फास्टिंग बॉडी बूढ़े सेल्स यानी कोशिकाओं को भी खा जाते हैं। ऐसे में आपके अंदर सिर्फ यंग और एक्टिव सेल्स बचते हैं। ऐसा होने पर आपकी स्किन भी यंग दिखने लगती है और सारे ऑर्गन्स भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनके अलावा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फास्टिंग की वजह से बॉडी कैंसर सेल से बेहतर लड़ पाती है। आपका फैटी लिवर डिजीज रिवर्स हो सकता है।
अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज से भी प्रोटेक्शन मिलता है। आपके ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, आपकी बॉडी सेल्यूलर डैमेज से बचती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, डायबिटीज से आप बचे रहते हैं, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होते हैं, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोन रिड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन इनसेन अमाउंट्स में इंक्रीज होता है और आपकी बॉडी पर पड़ने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है और वो हमारी बॉडी को कैसे हार्म करता है, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए गए हुए इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब फास्टिंग के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं तो इस टॉपिक को मीडिया में क्यों नहीं लाया जाता, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर क्यों नहीं किया जाता? वो इसलिए कि फास्टिंग से सिर्फ आपकी ही हेल्थ को फायदा है, और अगर आप और आपकी फैमिली दिन का सिर्फ एक मील ही कम कर देते हैं और फालतू स्नैकिंग और मंचिंग बंद कर देते हैं तो कई बड़ी FMCG और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हैवी लॉस हो जाएगा। जरा इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया अगर कल से सिर्फ एक टाइम खाना छोड़ दे तो क्या होगा। खाने की हर चीज की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे, और प्राइसेस कम होने से बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स के प्रॉफिट्स ड्रॉप हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फास्टिंग की वजह से आप हेल्दी रहेंगे तो कई दवाइयों के खर्चे बहुत हद तक कम हो जाएंगे, इसका मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज का लॉस। तो क्या आप समझ रहे हैं कि आपके हेल्दी रहने से किसी और को कोई भी फायदा नहीं है, और अगर किसी को फायदा नहीं है तो फास्टिंग के बेनिफिट्स आप तक कोई क्यों ही पहुंचने देगा। अगर पूरी दुनिया फास्टिंग स्टार्ट कर दे तो इतना खाना बचेगा कि कोई इंसान तो इंसान जानवर भी भूखा नहीं सोएगा। एनीवे, इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू कब करें, एंड कब करें और इस दौरान कितने मील्स खाएं? इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने नेचर को आइडेंटिफाई करिए, आप मॉर्निंग पर्सन हैं या इवनिंग पर्सन। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आपकी ईटिंग विंडो 8 AM to 4 PM हो सकती है। 8 AM आप खाना स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट 4 PM से पहले आपको अपनी आखिरी मील खत्म करनी होती है। अगर आप इवनिंग पर्सन हैं तो आपकी ईटिंग विंडो दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक हो सकती है। इस विंडो में 2 से 3 मील्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी, चाय, कॉफी पी सकते हैं? आप दिन भर जितना पानी चाहे उतना पी सकते हैं। ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी मॉडरेशन में अलाउड है, लेकिन विदाउट शुगर। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे नहीं करनी चाहिए? आप किसी भी तरह की फास्टिंग करने से पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए। जनरली डायबिटिक पेशेंट्स, प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर्स, और वो पेशेंट्स जो मेडिकेशन पर हों, उनको फास्टिंग एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई जिम जाके वर्कआउट करता हो तो फास्टिंग से कहीं उसकी मसल तो लूज नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट मसल लॉस, जो आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपनी ईटिंग विंडो में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं और रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पहले फैट बर्न करना चाहेगी और ना कि मसल बर्न करना। हमारी इंडियन सोसाइटी में बचपन से ही सिखाया जाता है ज्यादा खाना मतलब ज्यादा खुशी और ज्यादा अच्छी हेल्थ, और कम खाना मतलब गरीबी, भुखमरी एक्सेट्रा। पर अब वक्त आ गया है आपको जान जाने का और ये समझने का कि जो खाना आपको जान देता है वही खाना आपकी जान ले भी सकता है। आपके खाने में प्रेजेंट अकेली शुगर ही आपकी बॉडी में 45 से भी ज्यादा डिजीजेस के लिए जिम्मेदार होगी। वैसे इस वीडियो में शुगर के डार्क साइड को हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने रखा है, सो डू क्लिक इट एंड चेक दिस वीडियो आउट। बाकी यार, अपने सिस्टम को थोड़ा ब्रेक दीजिए, दिन में कुछ घंटे भूखे भी रहना सीखिए, अपनी बॉडी को चांस दीजिए कि वो खुद को रिपेयर कर पाए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लूम एंड इवॉल्व।